6000 के फर्स्ट हाउस का था, पर हम 3 लेंगे कितना हो गया 6 × 18000। सेकेंड हाउस की बात करें तो 7500 पर मंथ था, तो 2 महीने कितना हो गया 15000 पर। और तीसरा हाउस 1 महीने के लिए है और उस पर जो पर मंथ है कितना है 9000 रुपये, तो हम इस 9000 रुपये देखिए 7000 से अगर हम इसको लेस करते हैं 18000 तो 42000 आता है। और यहाँ पर लेस करते हैं तो हम देखते हैं 12, 5, 7 और 37500 और 72 में से अगर 9000 को लेस करते हैं तो आप देखेंगे 63000 का हमारे पास है। तो जैसे ही हमने इसमें से वैकेंसी पीरियड को लेस किया तो हमें ये मिल गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहां तक की बात कर मैंने इस क्वेश्चन में से भी, क्योंकि इसमें हमें दोनों चीजें समझने को मिली और वो दो चीजें मिल गया है, एक तो अनरियलाइज्ड रेंट और एक वैकेंसी पीरियड, ये दोनों को समझना पड़ेगा उसके बाद ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का निर्धारण कर पाएंगे। तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो भी ज्यादा हो उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट से तुलना करेंगे, उनमें से जो कम हो वो लेंगे, और उसके बाद अगर एनुअल रेंट और वीडियो वैल्यू एक ही दोनों से ज्यादा हो वही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निर्धारित करते हैं। लेकिन यदि हमारे पास अनरियलाइज्ड रेंट और वैकेंसी पीरियड की बात है तो सबसे पहले हम